आज दिनांक 22 जनवरी 2020 को होटल ओवराय आनंद में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत काफी हद तक कम हो जाएगा एक सेमिनार या एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर ग्री एसीएमओ द्वारा विचार व्यक्त किया है। इसमें पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग के लोग और एनजीओ लोगों ने भाग लिया और कई थानों के इंचार्ज भी थे। तंबाकू से संबंधित उत्पादों के बारे में और जो तंबाकू की जो धाराएं होती है उसके बारे में बताया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चलो एक दो साल पी लेते हैं, छोड़ देंगे, नहीं होगा। छोड़ना हमेशा बेहतर है। सिगरेट पीना हर तरह का लॉस है। हम तो एक सामाजिक रूप से जहाँ लोग सिगरेट नहीं पीते हैं उसको दिक्कत होती है अगल बगल वाले। इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने भी भाग लिया। आप पब्लिक प्लेस में नहीं पी सकते, उसके बारे में अभी कुलदीप हम लोग इससे कॉन्टेक्ट कर, ये काफ़ी एक्टिव हैं और इनके पास अभी चार डिस्ट्रिक्ट हैं और हम लोग क्वाइट लकी हैं। यार क्वाइट लकी कि कम से कम ये मौजूद है। ये आपको बताएंगे पूरा डिटेल में कैसे कैसे हम लोग किस किस तरह से इसको यूज। प्लीज थैंक यू सर। सब बैठ गए। अभी आप लोग सभी लोगों ने तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में जाना। लाखों को मरते देखा। इसके बाद कुछ स्लाइड्स जो है स्क्रीन पर दिखाई गई तंबाकू उत्पाद के बारे में। ये देखिए, गुटखा खाने वाले इस व्यक्ति का जबड़ा जाम होने लगा है। इसे सब न्यूसेस फाइब्रोसिस नामक रोग कहते हैं, जो कि कैंसर की शुरुआत। गंदे चीजों से तूने इसको बनाया, छिपकली को तूने मार सुखाया। जी हाँ मित्रों, मरे हुए छिपकली के हड्डियों को पीसकर गुटखे में मिलाया जाता है। गंदे चीजों से तूने इसको बनाया, छिपकली को तूने मार सुखाया, हड्डी को पीसकर तूने इसमें मिलाया, हड्डी को पीसकर तूने इसमें मिलाया, सड़ी सुपारी गुचड़ खाने से लाया। इतना ही नहीं, गुटखे में कीमती कत्थे के स्थान पर सस्ता मिलने वाला गैंडियर पेंट नामक एक घातक केमिकल मिलाया जाता है, जो वस्तुतः चमड़े के जूते बनाने वाली फैक्ट्रियों में चमड़े का रंग बदलने के काम आता है। अब आप स्वयं ही सोचिए, यह हमारे मुंह के जीवन कोमल किया। इसने क्या करा, इसने एक बोर्ड लगा दिया। देखिए, हमने कहा था ना बोर्ड लगाना कंपल्सरी है। अब बताइए, क्या ये एज पर कोर्ट का नियम के अकॉर्डिंग ये माल बेच रहा है या नहीं? क्यों, क्या क्या रीजन है बताइए। एक तो उसने लड़ियां लटका रखी हैं, वेरी नाइस। दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा। दूसरा ये बच्चा बैठा हुआ है, ये दोनों क्या है? इसको फ्राइडे में। इसके बाद तंबाकू नियंत्रण के सह नोडल अधिकारी पीएस आनंद द्वारा भी संबोधित किया गया। ये जो हम लोग चला रहे हैं जनपद स्तरीय है और इस स्क्वाड में जो हमारे फूड के अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर तीन लोग हैं, ये भी हैं और डीआईओएस के प्रतिनिधि भी हैं और पीएसए साहब के भी हैं, लेकिन नगर निगम के लोग जो हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। अब कारण ये आ रहा है, हो सकता है कोई और समस्या रही हो, हम लोग उसमें चर्चा करेंगे, बात करेंगे उनसे जाके कि क्यों ना उनको इन्वॉल्वमेंट किया जाए। इस समय बरेली के अंदर बहुत छोटे छोटे दुकानें, बहुत जगह आप देख रहे होंगे खुले हुए हैं। अब बात यह है कि हमने पहले जो हिट किया है वो बरेली कॉलेज का जो फ्रंट गेट है, आप देखेंगे पीछे वाला नहीं आगे वाला। अंत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बनीस कुमार शुक्ला द्वारा सबको संबोधित किया गया और धन्यवाद दिया गया। ये बार बार एक ही विषय पर बोलना होता है इसमें, लेकिन अच्छा है जितनी बार बोलेंगे। रोज अपने आप से कहिए तंबाकू का सेवन नहीं करूंगा, रोज कहिए सिगरेट नहीं पीऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा। जितनी बार कहेंगे उतनी ही दृढ़ इच्छा शक्ति
यादव, बहुत कुछ बताया होगा, कुछ कानून है, नियम है, पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान नहीं करना है, बच्चों के स्कूल से इतनी दूरी तक कोई तंबाकू का उत्पाद बेचा नहीं जाएगा, ऑफिसेज में येलो लाइन के विषय में बताया होगा, इस लाइन के अंदर तंबाकू का सेवन नहीं करना है, सब बताया होगा आपने। मैं मूल रूप से डॉक्टर हूँ, तो तंबाकू से क्या क्या बीमारियां होती हैं तंबाकू के सेवन से, सबसे महत्वपूर्ण तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है, क्योंकि तो अधिकतर लोग जानते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें हम कार्सिनोजेनिक कहते हैं, जो कैंसर पैदा करते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सी बीमारियां हैं, शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है।